जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फ़ायदा किसको कहते हैं। तरबियत खुद करना पड़ती है और वही तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है उसी में जीना सीखो, उसी में ज़िंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, जितना दामन है। आसान तरीन तरीका है पुस्तिल इंसान को खुद को बचा लेने का, कि अपनी गलतियों को जमा करके दूसरे के दामन में डाल लाए। हौसला इस बात का है कि गलती हुई थी तो जब पता लग गया कि गलती हुई थी तो उस गलती को दुरुस्त कर लीजिए, कि जिसके साथ गलती हुई थी उसके साथ बहुत नेक नियति से जाकर माफ़ी मांग लीजिए। मैंने ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं कि जिनसे आपने नेक नियति से माफ़ी ना मांगी हो और उन्होंने आपको गले से ना लगाया हो। बशर खताओं का पुतला है मगर रब जिसको ये अता दे दे, नेक नियति दे दे, यकीन मानिए सारी जड़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। नेक नियति, तवक्कल, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो आपको आगे 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 ले जाती हैं, और वही रिश्ते हैं, वही सब हैं जो आपको बुरे लगते हैं, वही सब आपको खूबसूरत अपने लगने लगते हैं। नेक नियति जो है सदाकत है, तो जब नेक नियति सदाकत आ जाए रिश्तों में लज्जत खूबसूरती अपने आप बनते चले जाती है, और यकीन मानिए ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत हो जाता है। ज़िंदगी की तमाम पुरानी मनफी सोचें अपने आप ही मस्बत के रुख ओढ़ने लग जाती हैं। थोड़ा बचा लेना, मिलूंगा मैं तुमको वही, जो ना मिलूं तो सजा देना।